आज ट्वेल्थ बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स पाने वाले ऐसे छात्र छात्राओं से मेरे द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा जिन्होंने 11th 12th के साथ ही न केवल 11th 12th कॉमर्स का प्रिपरेशन किया वरन साथ साथ में CA, CS और CMA जैसे कठिन समझे जाने वाले विषय को भी 11th से ही तैयारी की। आज जहां मार्केट में आज जहां छात्रों के बीच में यह चर्चा होती है कि 11th 12th के साथ में CA, CMA की तैयारी करने से 12th का रिजल्ट खराब होगा या 12th के रिजल्ट के ऊपर असर पड़ेगा, इस बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे, इनसे पूछेंगे। मेरे लिए भी यह सौभाग्य की बात है जब कभी आप अपने द्वारा पढ़ाए हुए बच्चों से उनके इंटरव्यू लो, उनसे पूछो, तो निश्चित तौर से जूनियर छात्रों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले सिद्धांत जी, आपने 96% स्कोर किया है 12th CBSE में, 96% मार्क्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है, साथ में आपने चारों जो मुख्य सब्जेक्ट है सब में आपका 95 मार्क्स से ऊपर मार्क्स है, आपने आईपी में 98 मार्क्स स्कोर किया है, अकाउंट बिजनेस इकोनॉमिक सब में आप 95% से ऊपर मार्क्स लाए हैं, साथ में आप सीए की तैयारी भी 11th क्लास से ही कर रहे थे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सीए की तैयारी जब आप 11th 12th से कर रहे थे तो क्या इसका आपकी 12th की पढ़ाई पे या 11th की पढ़ाई पे कोई असर पड़ा क्या? हाँ सर, ये डेफिनेटली मेरे 11th और 12th के रिजल्ट पे असर पड़ा है सीए साथ में करने के कारण। मेरे बहुत सारे जूनियर लोग थे और मेरे इवन पेरेंट्स लोग मुझे बोलते थे कि तू फालतू में तू कर रहा है 11th 12th से, और शुरुआत में तो मेरे को भी लगता था कि मैं फालतू में कर रहा हूँ, मगर मेरा जब 11th का रिजल्ट आया और जब 12th का रिजल्ट आया तब मेरे को ये पता चला कि सीए ने मुझे बहुत बेनिफिट किया, क्योंकि जो सीए और सीए का जो कोर्स वो हमारे 11th और 12th का ट्वाइस रहता है, और हम जो सीए में जो पढ़ते हैं वो डिफिकल्टी लेवल उसकी हमारी 11th और 12th से हाई रहती है, तो जो हम उसमें अकाउंट्स जो पढ़ते थे उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला हमारे 11th 12th में, क्योंकि लेवल भी ट्वाइस रहता था और हम दूसरे बच्चों से हम डिफ्रेंशिएट हो जाते थे वहाँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 11th 12th से सीए ज्वाइन करने से आपके 12th का रिजल्ट और बेहतर हुआ? यस सर। मानसी त्रिपाठी जी, आपने 12th 94.4% से क्लियर किया, आप साथ में सीए सीएमए की भी तैयारी कर रही थी, तो आपके 12th बोर्ड पे सीएमए की तैयारी का कोई असर पड़ा? सबसे पहले तो सीए सीएमए करने से बर्डन ज्यादा हो जाता है, ये सिर्फ मिथ है। सीए सीएमए बहुत हेल्प करता है 11th 12th दोनों के रिजल्ट इंप्रूव करने में, क्योंकि जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता है और सीए सीएमए में थोड़ा ज्यादा ही है, और ज्यादा पढ़ने से कभी नुकसान तो होता नहीं है, और 2 साल प्रिपेयर करने के बाद जब 2 महीने बाद जून में पेपर देना होगा तो बर्डन कम रहेगा और रिलैक्स होकर के भी उसका रिजल्ट भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही इंग्लिश की तैयारी के लिए इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ रीडिंग हैबिट थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, दोनों लिटरेचर की बुक्स को समरी के अलावा थोड़ा चैप्टर्स गो थ्रू करना जरूरी है और कुछ की वर्ड्स याद करके उसको पेपर में यूज जरूर करें, और जब डिबेट वगैरह कुछ लिखते हैं तो कुछ कोटेशंस डाल के टॉपर्स की शीट पढ़ें, टॉपर्स की शीट से बहुत हेल्प मिलती है, इंग्लिश और लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स में हेल्पफुल होता है। वंशिका जी, आपने 94% मार्क्स से 12th का एग्जामिनेशन क्लियर किया है, आप इकोनॉमिक्स बिजनेस मैथ्स अकाउंट सभी सब्जेक्ट में 95% से ज्यादा मार्क्स लाई हैं, साथ में आप 11th से ही सीएमए की तैयारी कर रही हैं, इतनी सारी चीजों को मैनेज करने में या आपके बोर्ड के रिजल्ट में इन सब चीजों का कोई असर पड़ा? मेरे 12th के रिजल्ट के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि जब मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड करती थी और उसके साथ में प्रोफेशनल क्लासेस करती थी तो वो चीज़ रिवाइज हो जाती थी मुझे वहाँ पे, और जब मैं घर पे उसी चीज़ को पढ़ती थी तो मुझे और कंसेप्ट उसके क्लियर हो जाते थे, तो वो मेरे लिए पढ़ना ईजी हो जाता था, और हम सब सब्जेक्ट को इसी तरह से बैलेंस भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी किसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं किसी पे कम कर रहे हैं, ताकि हम सब सब्जेक्ट पे बैलेंस बना के चल सकें। तुषार लुनिया जी, आपने इंग्लिश में 96 मार्क्स और अकाउंट में 95 मार्क्स लाया, इंग्लिश में कई बच्चे ऐसे होते हैं बड़ा इंग्लिश को लेकर बड़ा परेशान रहते हैं, तो इंग्लिश की तैयारी आप कैसे करते हैं? सर, ये सिर्फ एक लोगों का एक थॉट प्रोसेस बन गया है कि इंग्लिश में मार्क्स लाना हार्ड है या फिर 12th के बोर्ड में मार्क्स लाना हार्ड है। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ थोड़े थोड़े टाइम के लिए तो आपका आराम से बोर्ड्स में 90 अबव आ सकता है, और लोगों का एक थॉट प्रोसेस बन गया कि जितना ज़्यादा देर आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आर कोचिंग डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट हैज़ अ मोटिव दैट स्मार्ट वर्क पेज मोर देन द हार्ड वर्क, एंड इट अफेक्टेड माई लाइफ मोर देन एनी वन कैन थिंक। सर, मैं पहले सोचता था कि जितना ज़्यादा देर मैं पढ़ूंगा उतना ज़्यादा मेरे मार्क्स आएंगे, उसके बाद पर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जितना अच्छे से मैं पढ़ूंगा मेरे मार्क्स उतने ज़्यादा आएंगे, तो जो इंसान अगर 8 घंटे में कुछ पढ़ सकता है तो वो उस इंसान उसको और अच्छे से 2 घंटे में भी पढ़ सकता है, तो ये लोगों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल गलत है। तो सर, उन्हीं जी मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, आपने अकाउंट में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है,
साथ में आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो तुषार रुनिया जी आपके सीए की तैयारी का 11-12 से ही आप तैयारी कर रहे थे, तो इसका कोई आपके 12th बोर्ड के ऊपर कोई असर पड़ा? सर इसने डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट किया है मेरे रिजल्ट के ऊपर। जो चीज मैं 12th में पढ़ने वाला था उसको मैंने प्रोफेशनल क्लासेस के कारण 11th में ही पढ़ के रखा था, तो जब मैं 12th में आया तो ये सारी चीजों का मैंने सिर्फ रिविजन किया है। और 2 साल से अगर आप कोई भी चीज को रिविजन थोड़ी थोड़ी देर करोगे तो डेफिनेटली आपके परसेंटेज इंक्रीज होंगे। आयुष श्री श्रीमाल जी, आपने सभी सब्जेक्ट में 95 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स पाया, तो आयुष श्री श्रीमाल जी साथ में आप सी एस सी एन ए की तैयारी भी कर रहे हैं और आप बाहर से आए हुए हैं और यहाँ रह के भिलाई में रह करके आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सभी सब्जेक्ट 95% से ज्यादा लाने से में क्या CA CMA में जो आप 11-12 से कर रहे थे उसका कोई असर है या कोई नुकसान है या फायदा है? तो सर मैंने 11-12 से CA CMA में किया और जब मैं 11th में यहाँ पर आया था तब मैं एक्चुअली कवर्धा से हूँ, तो मुझे यहाँ कोई फ्रेंड्स नहीं था, ज़्यादा इतने लोगों को कोई सपोर्ट नहीं था, बट मिठू मैम ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बट एक्चुअली मैं उनको उसका पे बैक नहीं कर पाया। मैं क्लास इलेवेंथ में मैंने कभी BSC में हाईएस्ट मार्क्स नहीं लाया और मैम का शायद मेरे ऊपर से ट्रस्ट भी उठ रहा था, तो इसी कारण मैंने मैम को एक कमिटमेंट की और उस दिन से शायद मेरी लाइफ चेंज हो गई। और वो कमिटमेंट ये थी, द फास्टेस्ट वे टू रिमूव योर ब्रोकन ट्रस्ट इज टू ऑनर योर कमिटमेंट। और मैंने उसके बाद से ठान लिया कि मैं भिलाई में ना कि कोचिंग में ना कि DPS में, मैं पूरी भिलाई में BSC में हाईएस्ट मार्क्स लाऊंगा और मैंने ये कमिटमेंट पूरी की। और साथ में मैं 11 से CA CMA कर रहा हूँ, इसका मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। लोग बोलते थे कि ये तुम लोग को बहुत प्रॉब्लम देगा, बट मैंने उसको प्रॉब्लम नहीं, मैंने उसको अपॉर्चुनिटी ली। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अपॉर्चुनिटी, और मैंने उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाया और इससे मेरे कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हुए कि मेरे को अकाउंट्स तो घर में पढ़ना ही नहीं पड़ा। CBSE 12th में 90% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 11-12 से ही CA CMA जैसे कोर्स को ज्वाइन किया। इन छात्रों से चर्चा के बाद ये बात स्पष्ट रूप से निकल करके सामने आई है, स्पष्ट रूप से जूनियर को इन लोगों ने बताया कि आप 11-12 के साथ CA CMA जैसे कोर्स को करते हैं तो आपका न केवल 12th का रिजल्ट इंप्रूव करता है बल्कि आपके कॉन्सेप्ट और अकाउंट बिजनेस इकोनॉमिक्स के मार्क्स भी इन कोर्स की तैयारी की वजह से इंप्रूव करते हैं। तो जिन बच्चों के मन में यह भाव होते हैं, जिन बच्चों के मन में यह मिथ होता है कि 11-12 से CA CMA नहीं करना चाहिए या उसका कोई बर्डन पड़ेगा, तो आज शायद उनके मन से ये भाव या ये मिथ या ये दर्द हट गया होगा। ये सीनियर आपको ये बात बड़े स्पष्ट तौर से बताए कि 11-12 से CA CMA करने से न केवल आपका 12th का रिजल्ट इंप्रूव करता है बल्कि कॉन्सेप्ट में भी आपको बेनिफिट होता है।